सो गुड इवनिंग एवरी वन, दिस इज किरण गौरव एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे कि हमने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो आज हम जा रहे हैं राइड पे। आज भी एकदम बहुत अभी बहुत बहुत बार दिखने वाले हैं ये हमारे राइड पे। स्नेहा है, स्नेहा भी हेलमेट लेके रेडी है, पर ये सिर्फ सी ऑफ करने आई है और बाकी लोग जो हैं वो तैयारी पे लगे हुए हैं। और ये राजू लेके गाड़ी और जितने भी लगेज, ये कार हमारे साथ जाने वाली है, तो जितने भी लगेज है वो यहाँ पे एड अप कर चुके हैं हम, जो भी कम्बल वम्बल लगने वाले हैं। और साथ में हमारे चक्री भी अभी हैं। और जो ये राइड होने वाली है वो कैंपिंग राइड होने वाली है और हम जा रहे हैं लक्षणपुर। लक्षणपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हैं CSB पे और CSB के बाद हम जा रहे हैं शोरूम, और शोरूम के बाद हम वहाँ से डायरेक्ट, मतलब सब एक मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे, उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट लक्षणपुर के निकलेंगे। तो आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ और मिलते हैं। तो ये आदमी तो धोखा दे रहा है, अब मैं बोलना ही छोड़ दिया हूँ इस आदमी। रात को अब देखते हैं कब तक रात को। सो फिलहाल हमारी राइड हो गई है स्टार्ट और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं नेहरू चौक, और आधे लोग निकल चुके हैं आगे। नेहरू चौक पे होगी हमारी मीटिंग पॉइंट। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और डोंट नो, बाइक पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों इंजन लाइट दिखा रहा है मेरा, और फ्यूल अप कराना भी बाकी है, तो पहले फ्यूल अप करा लेंगे हम। ये जो ब्लॉग होगा ये लास्ट मैं भी ट्रैवल ब्लॉग डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़े से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगा अपने बाइक के बारे में। इंटरसेप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इंटरसेप्टर का हैंडल बार और आपने क्या क्या मॉड्स कराए इंटरसेप्टर पर, तो वैसा सा है। और फ्यूल अप करा लेते हैं अभी फ़िलहाल हम। और लेफ्ट साइड हमेशा की तरह हमारी प्यारी अरबा, और थोड़े से यहाँ रोड वगैरह टूट गए कोनी में, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है ये कोनी, जहाँ हम आया करते हैं हमेशा शूट के लिए। मतलब आधे लोग तो जितने बिलासपुर के उन्हें पता ही है कि हम कहाँ जाया करते हैं शूट के लिए, कौन कौन से लोकेशन पर हम शूट करते हैं। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है कोनी, और अभी आप देख सकते हो सनसेट होने को है और लगभग गोल्डन आवर सा है एकदम मौसम। और यहाँ पे हम आया करते हैं कभी कभार, जब बहुत ही लो फील करते हैं तो हम इस जगह पे आया करते हैं। और इसके बाद आप थोड़े से एंजॉय करो सिनेमैटिक्स। ना ना सही, और फिलहाल अभी हम पहुंच गए लक्षणपुर और सन लगभग हो गया है सेट। और जब जब हम लक्षणपुर आया करते हैं तो ऑफ रोड यहाँ ज़रूर किया करते हैं। मज़ा आ गया भाई, मतलब ऑफ रोड का मज़ा ही अलग है। फिलहाल हम पहुंच गए लक्षणपुर और हल्की हल्की सी ठंड, मतलब ये जो से ठंड वाला सीज़न है ना, इस पर कैंपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो टेंट लगाएंगे, आग जलाएंगे और करेंगे मौज। अब रिकॉर्डिंग। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? Finally,
हम लोग आ गए थे लच्छनपुर, और फिलहाल आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। जीडी थोड़ा सा व्यू दिखाना। तो ठीक है, तो फिलहाल जैसे आप पीछे मेरे जगह देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 टेंट्स लगेंगे, और इधर का व्यू दिखा देना जीडी। और हमारे राइट साइड है ये बहुत ही प्यारा सा लोकेशन। फिलहाल रात हो चुकी है और दीपक भी और चक्री भी बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो आओ थोड़ा सबसे बात करना। मेरे से बात है। यहाँ पे आ जाओ। यस ब्रो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके, मतलब थोड़ा सा? यार मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऐसे नाइट कैंपिंग, जंगल कैंपिंग में, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। और कुछ? और ये है कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा काम करके यहाँ पे, झालर लगाना, टेंट लगाना, चीजों को अरेंजमेंट करना। It was fun, man. It was fun. मतलब कि it is fun actually. It was नहीं, it is fun. ये हर महीने ऐसा हो तो फिर मतलब it's a great activity. अन्ना 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 आपको कैसा लग रहा है? आपने खाना बनाया अन्ना, तो पहले तो थैंक्स यार, आपको बहुत ज्यादा थैंक्स। अच्छा काम करे जी, और ऐसे दोस्त के साथ इस सितारों भरी रात, मतलब वातावरण बन चुका है जो बहुत ही अच्छा है। जीवन में ऐसा होता रहना चाहिए, आदमी दुनिया भर का टेंशन से थोड़ा सा दूर मिलता है, जो सारी दुख तकलीफें टाइम पर कर देता है, और अच्छा लगता है दोस्तों के साथ। गजब। भैया के पास आ जाना। बिंग उड़ाओ, कैसा लग रहा आके? थोड़ा थोड़ा साउंड बढ़ाना है। अरे ठंडी लग रही है थोड़ी, टी शर्ट पहन के भी ठंडी लग रही है, लेकिन आपके पास सही लग रहा है। और कैसा लगा यहाँ आके हम लोग से मिलके, कैसा लगा? मतलब ऑलमोस्ट हमारी दोस्ती को 2 साल हो गए, तो कैसा लगता है हम लोग के साथ? अच्छा लगता है, हम लोग के साथ राइड करना। रवि भैया को भी 1 साल हो गया हमारे साथ दोस्ती को, हमारी हमको राइड करते 1 साल हो गया। 2 साल हो गए ना। तो रवि भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दो, कैसा लगता है हमारे साथ? आज आप राइड में आए तो कैसा लगा आपको, क्या क्या नया चीज आपको सीखने के लिए मिला? वैसे कुछ सीखने को तो नहीं मिला, सीखना चाह नहीं मिला। होमली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है, फैमिली टाइप लगता है। अरे नए एक्सपीरियंसेस। सही बात है। बग्गी भाई पहली बार आए, तो बग्गी भाई से तो उतना ज्यादा बात हुई नहीं है, एक दो बार मिले हम, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दो, आज कैसा लगा आपको आके? एकदम प्राप्ति को मजा आ गया है, एकदम आग के सामने बैठे हैं। क्योंकि मेरे नहीं आ रहे। बढ़िया बातचीत चल रहा है, एकदम बेहतरीन फील हो रहा है, मजा आ रहा है एकदम। योगी भैया शिवम भैया के पास आखिरी में आएंगे, और राजू भैया के पास आखिरी में जावेद से पूछ लेते हैं यार। जेडी जेडी को भी एक, अरे यार थोड़ी तो लाइट में यार दिख नहीं रहा है, देख आ रहा है। तो जेडी यार अपनी भी दोस्ती को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया यार, आराम से ठीक है, और मतलब हम लोग इतने सारे राइड कर लिए, आज तो आया, कैसा लग रहा है तेरे को? मजा आ रहा। अरे मजा आ रहा है, मतलब और अपने से एक्सपीरियंस बता यार, मतलब तू क्या फील करता है हम लोग के लिए, सबके लिए? गौरव के साथ राइड करने में, और देखते हैं आगे भी और लंबे राइड्स करेंगे। कैसा लग रहा है देखो? मजा आ रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक 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 है। अब आ गए अपन योगी भैया के पास। योगी भैया को जानते हुए ऑलमोस्ट मेरे को हो गए हैं 3 से 4 साल हो गए, पहली राइड हम लोग ने वहाँ की थी शायद, कहाँ की? मत्कुदीप की ना योगी भैया,
है ना, उस टाइम मेरे को लगता था योगी भैया बहुत एटीट्यूड वाले, पर इनसे जब मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं सही सोच रहा था। ऐसा तो नहीं, बाद में फील हुआ कि ठीक है। तो योगी भैया कैसा लगता है आपको, 1.5 साल हो गए हम लोग को अभी मिले हुए अच्छी तरीके से? और मजा आता है, एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम था अभी ये कैंपिंग राइड्स हम लोग कर रहे हैं जो। ये तो आपके मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया, जो भी आप रॉयल एंट्री कर रहे हो। अपना वाला बताओ यार, मतलब बहुत अच्छा लगा। लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस रॉयल एनफील्ड, मतलब हम लोग भी काफी टाइम से प्लान कर रहे थे ये सब चीजों का। अरे फिर वही मार्केटिंग में आ गए आप। अरे तो सही तो बोल रहे भाई। अभी मतलब अपन लोग के साथ आगे कैसा लगता है, इस चीज को पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये मतलब अब देखिए फैमिली हो गई। लाइक हम लोग काफी टाइम से हम लोग राइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब 2-3 साल हो चुके हैं हम लोगों को ऐसे साथ में राइड करते हुए। तो ऐसा कुछ अपने को लगता नहीं है कि लाइक मतलब ऐसे हम अदर अदर लाइक एज ग्रुप से हमारे पेरेंट्स कुछ करते हैं, बट अपन ये एक फैमिली काइंड ऑफ है हमारा, एक अलग से अपनी बॉन्डिंग है अपनी। तो एक सडन प्लान भी बनता है तो हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं कहीं पे भी जाने को, कहीं पे भी राइड करने को। जिसमें सबसे ज़्यादा बहाना देने वाला आप ही रहते हो। नहीं वो तो थोड़ा बहुत तो करनी पड़ेगा यार, जिम्मेदारियाँ हैं, बोझ है जिम्मेदारियों का। सही बात, सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो सारी चीज़ें होती रहती है। बट एट द एंड मतलब ये सारी चीज़ें मज़ा भी आती है, सब मेमोरीज भी बनती है, बस यही है। अब चेंज हो गया हालांकि। तो कुणाल भाई कैसा लग रहा है आके, और बड़ा दिन हो गया हमें मतलब मिले, अब तो हम साथ में काम भी कर रहे हैं, तो बताओ यार कुछ एक्सपीरियंस। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सबसे मिलके सबके साथ, तभी हम यहाँ हैं। बाकी बढ़िया है, अच्छा है, बाकी बढ़िया है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक नंबर, डन नंबर, बहुत अच्छा। राजू भैया से मिले मेरे को अभी अभी हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अब क्या ही बताओ, अब राजू भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बाकी कैसा लगा राजू भी आपको, ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो हो गए हम लोग को राइड करते हुए साथ में, और आपको आ जाके कैसा लगा, आपको क्या नया सीखने मिला यहाँ पे? बहुत सारे प्रश्न तुमने किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है अगर मुझे यहाँ अच्छा लगता नहीं तो यहाँ आता ही नहीं मैं। सही बात है, और ये है कि सबसे बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन अभी भी मेरे अंदर बचपना छुपा हुआ है, तभी इस लड़कों के बीच में बैठा हूँ मैं। इतना हम डायलॉग बाजी मार रहे हैं, ये कट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं ये बुरा है, बुरा। इतना हम सोच सोच के बोल रहे हैं, वो सब सोच सोच के बोला है। कुछ कुछ लोग करेंगे आएगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा कट तो मारना ही पड़ जाएगा मेरे को। सही है, अब शिवम भैया के पास आ जाते हैं हम लोग, रुको थोड़ा सा दूर से लेना पड़ेगा। तो हमारे आदरणीय भैया ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए साथ में, और सबसे ज़्यादा इनके साथ रहा हूँ मैं, तो भैया आपको कैसा लगता है और क्या नया सीखने मिला? आप तो थोड़ा उम्र दराज भी हो गए हो, मतलब राजू भैया के बाद आप आते हो है ना, तो ऐसे मतलब आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो लोगों को है ना। हाँ मतलब ऐसे दो लोग तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते होगे, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, और क्या हमको सीखने की ज़रूरत है, तो आप ये बताओ थोड़ा। सीखना अपने आप आएगा, तुम लोग अभी जी रहे हो, जवान हो और ज़्यादा जियो। जैसे ये एक राइड है, ऐसे एक राइड नहीं बहुत सही राइड, काम भी करो और राइड भी करो, और राइड का एज इन राइड अपने आप में कुछ नहीं, घूमो सच में घूमो। जितने जो आदमी अभी 20-25 साल की उम्र में, अभी सच में सिर्फ घूमो, एक्सप्लोर करो बहुत ज़्यादा, सच में मत सोचो अभी कि क्या हो रहा है कहाँ पे क्या, बहुत इकोनॉमिकल माइंडसेट मत रखो। अब रही बात आज क्या सीखा, आज ये सीखा कि भाई पेड़ से झालर कैसे टांगते हैं, लकड़ी काट रहे थे हम ये सीखा, बैटरी से कल इंजीनियर सब 6 इंजीनियर सोच रहे थे कि बैटरी से झालर कैसे चलाएंगे, वो आज जाके एक इन्वर्टर आया और फिर चली इन्वर्टर के बाद। बस ऐसा सा है, फिर ठंड है यार है, बुल मॉन्ग है, डन है, फाइनल है।